वृंदावन में यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने अवैध रूप से हो रहे निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। थाना यमुना पार क्षेत्र अंतर्गत पाने गांव बांगर में एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को जेसीबी की मदद से धराशायी किया। बता दें कि यहां चार स्थानों पर प्राधिकरण की टीम ने जेसीबी की मदद से बने भवनों को ध्वस्त किया है। इस दौरान यमुना एक्सप्रेस प्राधिकरण के ओएसडी नवनीत गोयल ने बताया कि यमुना पार थाना क्षेत्र अंतर्गत पाने गांव बांगर का इलाका प्राधिकरण के दायरे में आता है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण से अनुमति अनिवार्य है, लेकिन यहां कुछ लोगों ने अवैध रूप से बगैर किसी अनुमति के निर्माण कर लिया। ऐसे चार लोगों को नोटिस दिए थे, जिसका जवाब न आने पर प्राधिकरण की टीम ने निर्माण को ध्वस्त किया है। ये देखिए, ये यमुना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये अधिसूचित क्षेत्र है, अधिसूचित गांव है। ये गांव पानी गांव बांगर में जिस समय ये अभियान चल रहा है, ये पानी गांव बांगर में हम लोग खड़े हुए हैं और यहां पर ये अभियान चल रहा है। पानी गांव बांगर गांव हमारा यमुना प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र है। अधिसूचित क्षेत्र होने की वजह से नियम ये है कि जहाँ भी इसमें निर्माण कुछ होगा तो वो यमुना प्राधिकरण से अनुमति लेकर के ही होगा। पहले उससे अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही कोई निर्माण हो सकता है। यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो आदेश किए हैं वो चार जगह पर आदेश किए हैं और उन चारों जगह पर निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, नोटिस विधिवत दिए गए हैं इन लोगों को, जवाब नहीं दिया और इन लोगों ने कोई हाजिर होकर के ना कोई जवाब दिया है और ना ही कोई अपनी अनुमति हम लोगों को दिखाई है कि साहब हमने ये अनुमति ली है। ऐसी कोई अनुमति भी प्रस्तुत हम लोगों के सामने नहीं की। अभी ऐसा कोई जानकारी में नहीं है, लेकिन चूंकि ये अधिसूचित क्षेत्र में है इस कारण से ये कार्रवाई की जा रही है। एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की इस कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा, ताकि कोई घटना न हो सके और शांति व्यवस्था बनी रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट।